एक्सरसाइज नहीं करनी, आई वॉज जस्ट पम्पिंग अप माई शोल्डर्स. ये जो है ये शोल्डर्स की एक्सरसाइज थी, लेकिन टूडे आई विल टेल यू अबाउट दी बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर योर लेग्स. जिम में लेग्स का वर्कआउट कैसे करना है, लेग्स की क्या एक्सरसाइजेज हैं, स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली की वीडियोज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपलोड करूँगी. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो आपकी जो ट्रेनर है उसको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी. सो लेट्स डू इट. एक्सरसाइजेस बताती हूँ आपको, लेग्स की बेस्ट कौन सी हैं जब आप जिम में जाएंगी. तो सबसे पहले बेस्ट और सबसे ईजी एक्सरसाइज है आपके लिए डोंकी किक्स. डोंकी किक्स बेंच के ऊपर भी हो सकती हैं और फ्लैट जो है ना वो ज़मीन के ऊपर भी हो सकती हैं. डोंकी किक्स, ये जो आपका यहाँ फैट होता है ना, ये सेल्यूलाइट इसको कहते हैं, और ये आपका हिप्स का फैट है, इसको ख़त्म करेगी. आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे ना बेंच के ऊपर जाना है, ये ठीक है, अपने आप को बेंच के ऊपर रखना है, और ये 1 2 सामने रखना है, 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रेट रखना है अपने आपको, एंड 10. ये देखिए जी, 10 इस लेग से, 10 उस लेग से आपने करनी है. और ये एक्सरसाइज के आपने टोटल 3 सेट करने हैं, 20 रेपिटेशंस. वेट लॉस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बेस्ट एक्सरसाइज है ये, फुल मूवमेंट है आपकी बॉडी की. ये देखें, के ऊपर आ गई आप, ठीक है, ये 1. दूसरी लेग कब करके दिखा रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बस थक गई? नहीं, थकना नहीं आपने, थोड़ा सा रेस्ट करना है, एक्सरसाइजेस को दोहराना है आपने, पानी शानी को पीना है, ठीक है. उसके बाद अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लंजेस. सेकेंड एक्सरसाइज है, मैं आपको टोटल आज 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपकी लेग्स के लिए. ये आपने करके कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बताना है कि आपको रिजल्ट्स मिले, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं रिजल्ट्स. गुड थिंग इज दैट यू विल गेट रिजल्ट्स इंशाल्लाह. आई एम विद यू एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. लंजेस, इस एक्सरसाइज का नाम है लंजेस. आपने क्या करना है कि पहले तो ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाना, नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे नहीं, आपने स्ट्रेट खड़े होने, ठीक है, और ये एक स्टेप को आगे करना है बस. ये सिंपल मूवमेंट है, बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है. क्या मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ये एक स्टेप आगे आई हूँ, सो ईजी. ये देखें, सिर्फ एक स्टेप में आगे आई हूँ, कुछ भी नहीं मैंने किया, एक स्टेप आगे आके ये इतनी ईजी एक्सरसाइज है. फिर आपने ना इसी के अंदर वॉक लेके आनी है. ये देखें, एक एक स्टेप आगे करके वॉक, ये ठीक है. ये आपने टोटल 15 to 20 रेपिटेशंस करनी है आपके जिम में, जो भी जगह होगी भागने की खड़ी हुई, सॉरी, ये जो चलने की जगह होती है यहाँ पर आपने, या एक कोई ट्रैक बना हुआ होगा घर में आपके पास जगह होगी. ये एक्सरसाइजेस तो आप घर में भी वैसे कर सकते हैं, एनी हाउ. ये देखें, आपने दोबारा से है ना 5 से 6 ग्राम देने इस एक्सरसाइज को करने के फौरन बाद, आपने 5 से 6 ग्राम देने, ये आपकी सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज लेग्स के लिए मैंने आपको बता दी. और थर्ड एक्सरसाइज आपकी है लेग्स के लिए, वो है लेग एक्सटेंशन. ये मशीन जो है ना जिम में पड़ी होती है, अक्सर लेडीज क्या कर रही होती हैं कि मैं आपको गलत भी बताऊंगी और सही भी बताऊंगी, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो ना कि अगर आप गलत कर रही हैं तो आप कितना गलत कर रही हैं, और अगर आप सही कर रही हैं तो आप कितनी अच्छी जा रही हैं, ठीक है. ये वीडियो देखने का आपको फायदा तो होना ही है, चाहे आप ऐसे देखें या वैसे देखें, जिस भी एंगल से देखिए. यानी आपने ये लेट, सबसे पहले मैं गलत बताती हूँ, लेडीज ये करती है, ये नहीं करना आपने, ठीक है. ये बहुत गलत मूवमेंट है, ये क्या है, आपका पेट देखिए कितना जा रहा है, ये देखिए आपकी बैक कहाँ जा रही है. ये लेडीज करते करते ये करने लग जाती हैं, वो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग पॉस्चर. हमेशा से जब भी आप लेग्स को ट्रेन करती हैं, बड़े अच्छे से आपने पॉस्चर रखना है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेशली जो वेट्स के साथ ट्रेनिंग होती है, आपने अपना पॉस्चर जो है ना वो हमेशा ठीक रखना है, नहीं तो इंजरीज होती हैं. बिलीव मी, बहुत इंजरीज होती हैं. आप, मैं नहीं चाहती कि आपको इंजरीज हो, दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं आपको बड़े अच्छे से इतना टाइम लगा के बताती हूँ कि आपने हर एक्सरसाइज को प्रॉपर पॉस्चर के साथ करना है. अच्छा, ये जो मशीन है ना, इसको कहते हैं कैलिपर. इसके साथ आपका जो है ना ये अलाइन होनी चाहिए हर चीज़. अब ये देखें, ये पता नहीं कैलिपर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कुछ इसी तरह का नाम होता है. तो आपने ना अपने जो घुटने हैं वो इसके साथ अटैच रखने, कोई भी मशीन होगी, डिफरेंट जिम्स में डिफरेंट मशीन होती है, घुटने इसके साथ अटैच रखने, ठीक है, आगे नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं आनी चाहिए आपके घुटनों में कभी भी. तो आपने ये अपनी जो चेस्ट है बाहर रखनी है, बैक स्ट्रेट रखनी है, ठीक
ठीक है, रात को जो पाँवों की पोजीशन होगी ना वो ये होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, इस एक्सरसाइज को करते हैं। अभी जब मैं करूँगी तो आपने देखना है, ठीक है। और हैंडल से अब ग्रिप करना है आपने, देखिए वन, ठीक है। आपके जिम में हैंडल्स लगे हुए होंगे मशीन के साथ, ये टू, देख रहे कितना फ़र्क है उसमें और इसमें, ये थ्री। टोटल 12 से 13 दफ़ा आपने करने अपनी मर्जी के वेट के साथ, बट वेट शुड भी चैलेंजिंग। ये देखें, ये सेवन, देखें बिल्कुल अलाइन मेरी जो है ना उसके साथ आ रही, और प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर, इस जगह पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ही आपका वेट लूज होगा, और साथ साथ आपकी लेग्स इतनी फिट शेप में आएंगी कि यू विल गेट इन लव विद योर बॉडी, आपको आपसे प्यार हो जाएगा, इतनी अच्छी आपकी लेग्स की शेप, सही वो बूटी और सही जो कहते हैं ना कि अच्छी लेग्स होती हैं, वो मिनी स्कर्ट भी आप पहन सकती हैं इस एक्सरसाइज करने के बाद, अगर आपकी अच्छी लेग्स बन रही है, ठीक है। इसको 15 से 20 दफा आपने करना है, 3 सेट रिपीट आपने करने हैं, बेस्ट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। फिर उसके बाद जो है आपकी लेग्स के लिए और साइड्स के लिए जो एक्सरसाइज है वो ये है। ये देखिए आपने ना क्या करना है, तो ये ऐसे खड़े हो जाना है बिल्कुल, मैं आपको बैलेंस करना है, ये 1 2 3 10 इस साइड, 10 उस साइड, 4 5 6 7 ये 8 9 and 10 10 उस साइड। लेकिन अगर आपसे बैलेंस नहीं होता तो अपने मशीन की किसी भी जिम को जाकर ज़ोर से पकड़ें, ठीक है। पर ये 1 2 3 4 जस्ट हिट योर लेग्स, 5 6 7 थोड़ा ऊपर ऊपर है, 9 and 10 देख रही है ये आपकी साइड्स को और आपकी लेग्स को जो है ना इसके ऊपर काम करें, बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लिए। लास्ट एक्सरसाइज, सबसे इजी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज करते हुए मुझे खुद भी बड़ी हंसी आती है और हर किसी को बहुत हंसी आती है, वो तीन से आपने करना है फ्रॉग वॉक्स। ये ना आपकी इस मशीन को करने के बाद आपने ये भी 3 सेट्स करने हैं 15 रेपिटेशंस के, और उसके बाद आपने ना ये देखें, अब आपने ऐसे खड़े होना है, ये नीचे जाना है, ये 1 2 3 इन जगहों पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैट है ना, हमने तो यहाँ से फैट निकाला है। ये अच्छे अच्छे टिप्स दे रही हूँ, बाद में नहीं मिलेंगी। ये 5 6 7 8 9 10 वॉक करनी है आपने 2 से 3 दफा आपने जिम में, और फोकस करना है कि आपको पेन है ही हो, किसी और जगह पर पेन नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 बैक स्ट्रेट हो, 6 7 8 9 10 ये लड़कियों वाली एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और इजी एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, मुश्किल भी एक्सरसाइजेज नहीं बता रही, बिगिनर लेवल की हैं, इन्हीं से वेट लूज आराम से हो जाता है, बॉडी भी शेप में बन जाती है, और क्या चाहिए, वही दिन बताएं और क्या चाहिए हमें, तो बस बॉडी हमारी अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए तो बॉडी बहुत मैटर करती है। 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, आप फिर से वीडियो को देख सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं, पोस्चर को हर चीज़ को आराम से देखें। उस टाइम तक के लिए मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास वापस आऊँगी, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।